कैप्टन साहब ने सीधे ही MLA के बच्चों को किसी डी एस पी रख लिया, किसी कुछ रख लिया जी, इन वास्ते फिर किस तरह वैकेंसियां जो बना लेंदी है गवर्नमेंट, तो साढ़े वास्ते फिर क्यों नहीं इन्हें ये कोई कानून बनाते जी, इन्ने मैडल लैन के बाद भी असं जोड़े है वो धक्के खाने पे हैं। सरदार भगवंत मान जी जोड़े है वो मुख्यमंत्री जोड़े पंजाब के है उन्होंने मिल के आए जी, उन्होंने PA नाल गल करके आया, उन्होंने फाइल जी दे के आया जी मैं, तो वो कहें कि जरूर अभी उन्होंने नोट्स के लैके आवेंगे। पंजाब दे विच समय समय से बनने वाली सरकारां वालों सूबे दे विच लगातार खेडां प्रफुल्लित करन अते खिडारियां दी हर संभव मदद करन दे वड्डे वड्डे दावे कीते जांदे ने, पर कई बार सरकार दे इन्हां दावयां दी पोल उन्हां खिडारियां दे वल्लों ही खोल के रख दित्ती जांदी है। अजिहा ही एक मामला गुरदासपुर दे विच सामने आया है जिथे का एक हैंडबाल दे विच नैशनल पद्धर का सोन तमगा जेतू खिडारी नौकरी दे लई दर दर दीआं ठोकरां खाण दे लई मजबूर है। खिडारी सरबजीत सिंह ने गलबात करते हुए दसिया कि सन 1990 के उसने नैशनल पद्धर से हैंडबाल के सोन का तमगा जितया, उसने उस समय के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तो अलावा होर मंत्रियों को भी उसका बनता माण सत्कार देने की मंग की सी, पर सब ने सिवाए झूठे भरोसे के उसनू कुछ भी नहीं दिता। सरबजीत सिंह ने अगे दसिया कि उसने सरकारी चपड़ासी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया, पर उत्थे भी उसके हाथ सिर्फ तो सिर्फ निराशा ही लगी, जिस तो मजबूर हो के हुण उहो अपना गुजारा ऑटो चला के कर रहा है। सरबजीत ने कहा कि हुण उसदे वल्लों मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान नूं भी उसनूं नौकरी देने की अपील की गई है, जिस ते उन्हां दे अधिकारियों ने उसकी आवाज़ मुख्यमंत्री पंजाब तक पहुँचाउण की गल कही है। सरबजीत ने भरे मन दे नाल दस्सिया कि सरकारी दफ्तरां दे चक्कर मारदे दी उसकी उम्र हुण 52 साल के नज़दीक हो चुकी है, पर उसनूं हाले तक सिवाए निराशा के होर कुछ भी हासिल नहीं होया। उसने सवाल किया कि जेकर एक व्यक्ति 90 साल की उम्र के विधायक की चोन लड़ सकता है तो फिर उसनों सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती। मैं 85-86 हैंडबॉल जी है गुरदासपुर तो शुरू की सी, तो 99-90 मैं गोल्ड मैडल जोड़ा वो लेके आया। सरदार अर्जुन सिंह जोड़े एयर चीफ मार्शल रहे ने और लैफ्टिनेंट गवर्नर रहे दिल्ली के, इन्हों तो गोल्ड मैडल लेके आया जी। उस तो बाद पंजाब के जोड़े राजपाल ने, पंजाब के राजपाल जनरल ओ पी मल्होत्रा साहब जोड़े ने, उन्होंने राजभवन चंडीगढ़ के मैं सम्मानित किया, तो उस तो बाद फिर मैं DC साहब गुरदासपुर ने भी जोड़ा वो सम्मानित किया जी। मैं उस वेले मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह जी जोड़े उन्होंने फेस टू फेस गल की, उन्होंने एप्लीकेशन दी है, तो शिक्षा मंत्री जोड़े साढ़े गुरदासपुर के खुशहाल बैल जी, इन्हों भी मैं एप्लीकेशन दी है जी, तो खेड मंत्री रहे महेंद्र सिंह KP जी, इन्हों भी मैं एप्लीकेशन दी है, पर सारे ने लारे लाए हैं, किसी ने भी मेरी सपोर्ट जी नहीं की। ईवन PAP के भी मैं जाके ट्रायल दे के आया, तो कहते जी तू B-grade का खिलाड़ी है जी, बस उतों ही उन्होंने मेरी फाइल के उत्ते लीक मारी, तो मैं मैंने वापस भेजा जी, किस तरह की कोई सपोर्ट जी मैं नहीं मिली, तो मैं वेट करता रहा कि अज कल मैं कोई जवाब मिलेगा, कोई ना कोई जॉब मिलेगी। मैं तो चपड़ासी वास्ते इन्हों अप्लाई किया, जबकि DSO गुरदासपुर ने मैं लिख के भी दिता कि साढ़े को एक वैकेंसी जी बंदा रिटायर होया, तो वो चपड़ासी की वैकेंसी साढ़े को हैगी है, तुम उत्तों ऑर्डर करवा लो। जो उत्ते जाके एप्लीकेशन दे के आया मैं जी, तो उन्होंने अगों लैटर भेजता, कहते जी खिडारी की सीधे तौर पर भर्ती जी है वो नहीं होंगी हैगी, तो उन्होंने टरका दिता। जबकि पिछले जी कैप्टन साहब ने सीधे ही MLA के बच्चों को किसी को DSP रख लिया, किसी को कुछ रख लिया जी, इन वास्ते फिर किस तरह वैकेंसियां जी बना लेंदी है गवर्नमेंट, तो साढ़े वास्ते फिर क्यों नहीं इन्हें ये कोई कानून बनाते जी। इन्ने मैडल लैन के बाद भी असं जोड़े है वो धक्के खाने पे हैं, तो कम से कम जे जॉब नहीं दे सकते तुसी, तो कम से कम सानू कोई मुआवजा मिलना चाहिए सानू, ताकि असी अपने पैरों पर खड़े होइए, ताकि आप अपने बच्चों असी चंगा पढ़ा लिखा सकीए, तो ऑटो चला के असी गुजारा करते पे हैं अपना, वो भी बहुत घट जिहड़ा वो सानू इनकम जिहड़ी है उहदी हुंदी है, क्योंकि मैं हुण सरदार भगवंत मान जी जिहड़े है वो मुख्यमंत्री जिहड़े पंजाब दे है उन्होंने मिल के आया जी, उन्होंने PA नाल गल करके आया, उन्होंने फाइल जिहड़ी है वो दे के आया जी मैं, तो वो कहिंदे कि जरूर अभी उन्होंने नोट्स के लैके आवेंगे, तो लगता भी हुण तां नौकरी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, सानू उम्मीद है कि जरूर साडी जिहड़ी फाइल है उहदे उत्ते हरा पैन जिहड़ा वो जरूर चलेगा जी। उम्र ओवरेज हो चुकी, बिल्कुल मैं ओवरेज हो गया जी, हूँ 50-55 साल तो उपर हो गई मेरी एज जी, तो कहते जी हूँ ओवरेज हो गया जी, तो मैं गवर्नमेंट नूं सवाल पूछना चाहवागा कि 80-90 साल के जोड़े बजुर्ग है उन्होंने तुम दोबारा इलैक्शन लड़ाई जाते हो, पब्लिक के आके हाथ जोड़ते हैं, एक मौका सानू होर भी दे दो सेवा का, तो जे वो 90 साल या 95 साल के बंदे जोड़े है वो इन्नी गल कह सकते हैं कि असी सेवा करनी है ताकि सानू एक मौका दो, तो असी तो 50-55 साल उम्र कुछ भी है नहीं, असी नहीं सेवा कर सकते पंजाब की, सानू भी मौका देना चाहिए, सानू भी मौका दो ताकि असी भी पंजाब की सेवा करिए, असी भी अपने देश की सेवा करिए। इन्ने इंडियन फ्लैग के नाल मैं फॉरन कंट्री के दौड़ता रहा जी, देश का नाम रोशन करता रहा वा, पंजाब का नाम रोशन करता रहा, और गुरदासपुर जिले का पहला इतिहास है जी हैंडबॉल के गोल्ड मैडलिस्ट, पहला गुरदासपुर जिले का मैं खिडारी हाँ, इस तो पहले हैंडबॉल के कोई गोल्ड मैडल नहीं लैके आया, मैं पहला खिडारी हाँ, फिर भी मैं धक्के खाना पैने मैडल लैके।
एक खिडारी जिहड़ा कि सन 1990 तो नौकरी दे लई दर दर दीआं ठोकरां खाण दे लई मजबूर है, पर हाले तक उस दे पल्ले सिवाए निराशा दे कुछ भी नहीं पिया। हुण देखना होगा कि पंजाब की नवी बनी सरकार इस खिडारी की आवाज़ सुन पाउंदी है जां फिर नहीं। गुरदासपुर तो रोहित गुप्ता की रिपोर्ट, पंजाबी लुक चैनल।